साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अभी इस वक्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है जो आपके रिगार्डिंग है, और वो अपडेट ये है कि डीबीटी जीआरएफ का जिस तरीके से आपको इंतजार था कि कब उसका पेपर होगा, और जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा था कि आपका अपकमिंग एग्जाम अप्रैल में होगा, इनकी जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी होती है, तो उसी के संदर्भ में अगर आप आरसीबी की वेबसाइट पे अभी आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोई अपडेट नहीं मिलेगा। बट एनटीए की वेबसाइट पे जब आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये ऑटोमेटिक पेज अपडेट हो गया है, और गैट भी बेट 2023 के रिगार्डिंग यहाँ पे आ गई है। लिंक अभी एक्टिव नहीं है। यहाँ पे आपको एक पब्लिक नोटिस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिलेगा। तो जो चीजें आप डाउनलोड करेंगे वो आपका पर्टिकुलर डाउनलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पब्लिक नोटिस देख लेते हैं कि कब आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 10 मार्च 2023 की नोटिस है कि गैट बी, जो कि आपके बायोटेक्नोलॉजी में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए होता है, और बेट जो कि आपके रिगार्डिंग है, आपको डीबीटी जीआरएफ पास करने के लिए होता है। तो इम्पोर्टेंट डेट जो है ये आपका कह सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट होगा वो 10 मार्च से 31 मार्च तक का होगा। पिछले साल भी इन्होंने 11 मार्च के आसपास फॉर्म को रिलीज किया था। लास्ट डेट जो है वो आपका 31 मार्च है। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको कोई करेक्शन करना होगा तो वो आपको 3 अप्रैल 2023 आपको समय है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका 23 अप्रैल 2023 संडे को एग्जाम होगा। 180 मिनट का एग्जाम होगा। गैट भी जो है वो आपका 9 बजे से 12 PM तक होगा, और डीबीटी जीआरएफ जो है वो आपका 3 बजे से 6 बजे तक होने वाला है। सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश होगा। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया है। जो आपको यहाँ पे फीस पेमेंट करना होगा, अगर आप गैट भी देना चाहते हैं तो आपको जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपए है, रिमेनिंग के लिए आपका जो है वो 600 है, बेट के लिए भी 1200। अगर आप ये दोनों फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 2400 देना होगा। हालांकि दोनों फॉर्म इसलिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो अगर गैट भी के थ्रू एमटेक करना चाहते हैं, अगर वो भी अपना देखना चाहते हैं, तो इसी वजह से अगर आप दोनों भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका अप्लाई है वो आपका ऑनलाइन मेड होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपको जो भी काम करना है ये एनटीए की वेबसाइट पे ये सारी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट चीज जो है आपका, अगर मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर जाऊं तो ये इस तरीके का सुंदर सा आपको दिखेगा गैट बी 2023 के रिगार्डिंग। यहाँ पर जो आप पूरी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे, बाकी समय रहेगा तो मैं भी इसको पूरी चीजें जो होगा वो आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे क्या करना है। यहाँ पर भी वही चीजें हैं, 10 से 31 मार्च है। जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है आपके लिए वो यहाँ पर यह है कि करेक्शन का टाइम दिया है। एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको बाद में बताया जाएगा वेबसाइट के थ्रू, तो काम बहुत ही फास्ट होगा, तो अच्छे से तैयारी करिए। 180 मिनट का पेपर होगा, रिकॉर्डेड आंसर शीट, ये सारी चीजें आपको बाद में ही पता चलेगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर, या दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनी अदर मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, केवल ऑनलाइन मोड होगा। ओनली वन एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाई द कैंडिडेट इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर अप्लाइंग फॉर गैट बी या बेट। तो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, मतलब वो आप चूज करेंगे। अगर आप दो चूज करेंगे तो आपका वही जो एप्लीकेशन फीस होगा वो आपका डबल हो जाएगा। हाउ एवर ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर बोथ द एग्जाम हैज टू पे डबल एग्जामिनेशन फीस, जो मैंने आपको बताया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी कोई भी आपको दो बार फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड करना है, डिटेल में आपको अच्छे से उसको पढ़ना है, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, क्या क्या चीजें आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। बाकी जो मुझे लगता है कि अभी तो सारी चीजें आप जब पढ़ेंगे तभी आपको डिटेल में क्लियर होगा। बाकी यहाँ पर ये एनटीए के बारे में बताया गया है, गैट बी के बारे में बताया गया है कि गैट बी जो है उसके क्या क्या कार्य है, डीबीटी का क्या क्या रोल है। तो मोर और लेस सारी चीजें वैसी ही हैं। बाकी अभी तो फिलहाल के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह भी यहाँ पे दे दिया गया है आरसीबी की तरफ से, गैट बी के रिगार्डिंग, फिर आपके लिए बेट के रिगार्डिंग क्या क्या है, बैचलर्स या मास्टर्स, आप किसी भी एमटेक, एमएससी, लाइफ साइंस, किसी भी चीजों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट एनी ऑफ द एमएससी प्रोग्राम सपोर्टेड एट डीबीटी शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई है, और जो भी अपने बच्चे फाइनल सेमेस्टर में है, अवेटिंग रिजल्ट कंडीशन में है, वो भी इस पेपर को दे सकते हैं। एज लिमिट जो है वो आपकी 28 साल 33 साल जो भी नॉर्मल होती है, वही सारी चीजें दी गई हैं। तो बाकी कुछ ऐसा नहीं है। सिलेबस आपको गैट बी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। बेट का पैटर्न आपको जो पहले जैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश में होने वाला है। ये आपका गैट बी के रिगार्डिंग ये सारी चीजें हैं, और बेट के रिगार्डिंग आपको दिया गया है। और इसके अलावा जो यहाँ पर वन ऑप्शन इज ए करेक्ट इन ए क्वेश्चन, मार्क्स विल बी अर्न ओनली दोज हु मार्क एनी ऑफ द क्वेश्चन इन नन ऑफ द क्वेश्चन। तो खैर ये सब चीजें कुछ इतनी वो नहीं है। तो ओवरऑल
सारी इन्फॉर्मेशन ये अपलोडेड है, बाकी इसको मैं केयरफुली इसको पढ़कर जो भी आपके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे जब इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाएंगे तो ये सारी चीजें भी आपको दे दी गई है, तो फॉर्म भरने से पहले इन चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जैसे ही लिंक एक्टिव होगी और इसके अलावा इसको पूरी नोटिस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ने के बाद जो भी चीजें आपके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होगा उसको आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स और सारी चीजें आपको मिलती रहे। प्लेलिस्ट में जाइएगा, डीबीटी जेआरएफ के रिगार्डिंग बहुत वीडियोज बहुत लेक्चर्स हमने कवर कर रखे हैं, आईसीएमआर में हमारे अच्छे रिजल्ट्स आए थे, तो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे चीजें अवेलेबल है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर डीबीटी जेआरएफ 2023, एक अच्छी खबर। और इसी के साथ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, और थैंक यू वेरी मच।